और चलिए इस बीच बड़ी खबर जान लीजिए। अनूपगढ़ से मिल रही है ब्लैकमेलिंग से 52 लाख की वसूली का मामला। रायसिंह नगर में डांस एकेडमी संचालक से ब्लैकमेलिंग हुई है। युवक युवतियों पर ब्लैकमेल का आरोप लगा है। गिरोह पर 8 महीने से ब्लैकमेल का आरोप लगा है। रायसिंह नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जाँच जारी है। सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर जाल में फंसाया था गिरोह, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। अनूपगढ़ से खबर मिल रही है ब्लैकमेलिंग से 52 लाख की वसूली की गई है। रायसिंह नगर में डांस एकेडमी संचालक से ब्लैकमेलिंग की गई है और इसी ब्लैकमेलिंग के चलते 52 लाख की वसूली से जुड़ा पूरा मामला है। युवक युवतियों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। ये गिरोह है दरअसल पूरा जो ब्लैकमेल करता है, युवक युवतियाँ इसमें शामिल हैं। 8 महीने से ब्लैकमेलिंग की जा रही है, यह आरोप लगाया जा रहा है। रायसिंह नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है, जाँच जारी है। सोशल मीडिया पर पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद जाल में फंसाया। इस गिरोह ने पहले सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद जाल में फंसाया और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का यह सिलसिला 8 महीने से लगातार जारी रहा, ये आरोप लगाया गया है। और कुलदीप गोयल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी लिए। कुलदीप, ब्लैकमेलिंग से जुड़ा पूरा मामला, 52 लाख की वसूली का आरोप लगा है और ये भी आरोप लगाया गया है कि 8 महीने से ब्लैकमेलिंग ये गिरोह कर रहा था, इसमें युवक और युवतियां शामिल है, क्योंकि रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। कार्रवाई में अब क्या डिटेल्स मिल रही है? देखिए, ये गिरोह है वो पिछले कई समय से सक्रिय है और सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज कर नकली जो अकाउंट बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद में जो समाज के अंदर रहने वाले कुछ लोग हैं उनको टारगेट किया जाता है और उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर अपने जाल में फंसाया जाता है। और बहुत से लोग होते हैं वो जो समाज की लोक लाज से डर कर इन लोगों को पैसा देना शुरू कर देते हैं। तो यही जो मामला था, डांस एकेडमी संचालक ने 52 लाख रुपए धीरे धीरे इन लोगों को दे दिए और जब ये जो सिलसिला है वो नहीं रुका तब आखिरकार उसने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है और जल्दी ही इस मामले का पूरा खुलासा है वो होने की संभावना है। जी कुलदीप, क्या ये पता चल पाया है कि अब तक ये जो गिरोह है जिसमें युवक और युवतियां शामिल, अब तक किस किस को अपना शिकार बना चुके हैं? देखिए, अभी तक जो ये युवक युवतियां हैं अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जो अपनी जांच है वो तेज गति से शुरू कर दी है। जो रायसिंह नगर के सीओ ग्रामीण है उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि जल्दी ही इन युवक युवतियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद में ही जब उनसे पूछताछ होगी तब पता चलेगा कि इन लोगों ने कितने लोगों को टारगेट किया है। हालांकि पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति इनके चंगुल में आ गया है तो वो खुद भी आकर पुलिस से संपर्क कर सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप।